दोस्तों बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही दिमाग में बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेन का ख्याल आता है। 1964 में जब पहली बार जापान में यह ट्रेन चली तो इसकी रफ्तार की तुलना बंदूक के गोली से की गई। गोली का मतलब बुलेट, इसलिए लोगों ने इसे बुलेट ट्रेन का नाम दे दिया। 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से चलने वाली यह ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकती, बल्कि इनके लिए नए और स्पेशल ट्रैक की जरूरत पड़ती है जो कि इन्हें इनकी स्पीड बढ़ाने में मदद करती है। जापान में चल रहे बुलेट ट्रेन में हर वर्ष 33 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें यात्रा करते हैं। जापान की पूरी आबादी से कई गुना ज्यादा इसमें लोग यात्रा कर चुके हैं। इसकी मेन वजह सुरक्षा व्यवस्था है। जापान की बुलेट ट्रेन की दुर्घटना में आज तक किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करते हैं और इससे लोगों के समय की बचत भी होती है।